हेलो दोस्तों, आज हम सैंडविच बना के तैयार किए हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। हमने आलू का बनाया है, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको झटपट बना के घर पे तैयार करते हैं कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। चलिए हम बनाना बताते हैं। हमने इधर ब्रेड ले लिया है और 3-4 आलू है, इसको हमने उबाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। पनीर है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची है, हमने सब इकट्ठा करके रख लिया है। अब चलिए हम बनाएंगे। इधर हमने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है 2 चम्मच, जीरा डाल दिया है 1 चम्मच। जीरे को हम थोड़ा से तड़कने देंगे अच्छे से। अब इसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन को डाल देंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों, हल्का से भूनेंगे, क्योंकि ज़्यादा भून जाएगा तो पता नहीं चलेगा जब हम इसमें आलू डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना कैसी लगी। अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था सारी। अब हम गैस को स्लो रखेंगे, तेज नहीं करना है ज़्यादा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे। लाल मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जैसे आपको तीखा पसंद है तो। नमक 1 चम्मच डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब हम ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमें स्लो रखना है दोस्तों। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि हमने आलू से बनाया है। इसको हम एकदम आसान तरीके से बना के आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। 2 से 3 मिनट लगा है इसको मिक्स होने में। देखिए कितना अच्छे से मिक्स होके एकदम से पक गया अच्छे से। अब हमने इसमें पनीर डाल दिया है। पनीर को हमने कद्दूकस करके डाला है, जिससे अच्छे से आलू में मेल्ट हो जाए। अभी हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे अच्छे से मिल जाए। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। इधर हमने ब्रेड ले लिया है। ब्रेड पे हम टमाटो सॉस लगाएंगे अच्छे से। अगर आपको ग्रीन चटनी पसंद है तो एक तरफ टमाटो सॉस, एक तरफ ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं आप। अभी देखिए अच्छे से लगा दिया है। अब जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था चम्मच की सहायता से, इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे, देखिए ब्रेड के ऊपर। अब हम दूसरे साइड भी टमाटो सॉस लगा लेंगे। हमें दोनों साइड अच्छे से लगा देना है। अभी देखिए लग गया है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे। हमने एक कटोरी में घी गरम करके ले लिया है। अब उसको हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे पहले। अभी हमने इधर डोसा वाला तावा रख दिया, गरम हो गया था, उसके ऊपर हमने रख दिया है। दूसरे साइड भी हम थोड़ा से घी लगा देंगे, जिससे हमें पलटेंगे तो अच्छे से पक जाएगा, चिपकेगा नहीं इसमें। अभी इसे हम पलटे की सहायता से हल्का से दबा देंगे, जिससे बहुत अच्छे से पक जाएंगे। अभी हमने पलट दिया है, कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हम दोनों साइड पलट पलट के अच्छे से इसको सेंक लेंगे। दोस्तों ये सैंडविच खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए अभी बन गई है, हमने निकाल लिया है। इसी तरह हम सारी बना के रख लेंगे। अभी देखिए दोस्तों, हमने सैंडविच बना के तैयार कर दिया है।